हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम छठी कक्षा के पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में सीखेंगे। 15वां पाठ, समय बड़ा अनमोल। शब्दार्थ, सम्मानित, जिसका समाज में मान सम्मान हो। अमूल्य, जिसकी कीमत न आंकी जा सके या अनमोल। सदुपयोग, अच्छा उपयोग, सही इस्तेमाल। अस्त होना, डूब जाना या छिप जाना। प्रार्थना स्थल, प्रार्थना करने की जगह। उदित होना, उदय होना, निकलना। आश्रमवासी, आश्रम में रहने वाला। सभास्थल, वह स्थान जहां सभा होती है। स्वयं, खुद। तरल, द्रव। शीघ्रता, जल्दी। एकाएक, अचानक। पर्यायवाची शब्द, बगीचा, बाग, उपवन, कानन। कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा। बच्चा, बालक, शिशु, बाल। सूरज, रवि, भानु, भास्कर। सोना, सुवर्ण, कंचन, हेम। हवा, वायु, पवन, समीर। चिड़िया, खग, पक्षी, नभचर। घर, गृह, आवास, सदन। विलोम शब्द, प्रश्न उत्तर। स्वतंत्रता, परतंत्रता। शुरू, खत्म। संतोष, असंतोष। तरल, ठोस। सदुपयोग, दुरुपयोग। उदय, अस्त। आज, कल। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बच्चे किन्हें दादाजी कहते थे? इसका उत्तर है, बच्चे शिव नारायण जी को दादाजी कहते थे। बच्चे किन्हें दादाजी कहते थे? बच्चे शिव नारायण जी को दादाजी कहते थे। दूसरा प्रश्न, बच्चों के साथ उनका बर्ताव कैसा था? इसका उत्तर है, बच्चों के साथ शिवनारायण जी का बहुत लगाव था। बच्चों के साथ उनका बर्ताव कैसा था? बच्चों के साथ शिवनारायण जी का बहुत लगाव था। वे तार से सभी बच्चों के साथ रहते और उनको तरह तरह की कहानियां सुनाते और पहेलियां बुझाते रहते थे। तीसरा प्रश्न, बच्चे कब दादाजी के साथ समय बिताते थे? इसका उत्तर है, बच्चे हर रविवार दादाजी के साथ समय बिताते थे। चौथा प्रश्न, क्या आपने महात्मा गांधी जी का नाम सुना है? उन्हें देशवासी किस नाम से पुकारते हैं? इसका उत्तर है, हाँ, हमने महात्मा गांधी जी का नाम सुना है। उन्हें सभी देशवासी बापूजी कहकर पुकारते थे। क्या आपने महात्मा गांधी जी का नाम सुना है? उन्हें देशवासी किस नाम से पुकारते हैं? हाँ, हमने महात्मा गांधी जी का नाम सुना है। उन्हें सभी देशवासी बापूजी कहकर पुकारते थे। पांचवा प्रश्न, इस पाठ में दादाजी ने किस महापुरुष के जीवन की एक घटना बच्चों को सुनाई? इसका उत्तर है, इस पाठ में दादाजी ने महात्मा गांधी जी के जीवन की एक घटना बच्चों को सुनाई। छठा प्रश्न, उनकी विशेषताएं क्या थी? इसका उत्तर है,
महात्मा गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे बल्कि कमर में लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार के ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उनकी विशेषताएं क्या थी? महात्मा गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे बल्कि कमर में लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार के ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। सातवां प्रश्न, समय को अमूल्य क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, समय को अमूल्य कहा गया है क्योंकि उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। समय को अमूल्य क्यों कहा गया है? समय को अमूल्य कहा गया है क्योंकि उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। आठवां प्रश्न, समय का सदुपयोग न करने से क्या होगा? इसका उत्तर है, समय का सदुपयोग न करने से व्यक्ति अपने जीवन में पीछे रह जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। नौवां प्रश्न, गांधी जी बार बार घड़ी क्यों देख रहे थे? इसका उत्तर है, गांधी जी के लिए टांगा आने वाला था, उसी के इंतजार में वे बार बार घड़ी देख रहे थे, क्योंकि उन्हें निश्चित समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर भाषण देना था।